हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद रिधिमल। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और आज हम बात करेंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अभी तक हमने जो बात करी वो किसके बारे में बात की, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करी, और एशिया महाद्वीप के बारे में बहुत सारे विभिन्न तथ्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, आपके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज किसने की थी, यूरोपवासी जो डेविड लिविंगस्टन और हेनरी स्टेनले, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, उपनाम से देखी जाए तो इनका उपनाम क्या है, यानी उपनाम यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप या काला महाद्वीप भी आपके अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जाए देखा जाता है तो आपको पता है विश्व में इसका दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान आपका एशिया का आता है, दूसरा स्थान किसका आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका आपका अफ्रीका का आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी आपका अफ्रीका का ही आता है। ये क्षेत्रफल का करीबन 20.46% हिस्सा है विश्व का, जो करीबन 2,99,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो जहां एशिया 60% जनसंख्या को वहन करती है, अफ्रीका महाद्वीप आपकी 12% जनसंख्या को वहन करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कई बार पूछी जाती है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसने कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, यानी आपका जो अफ्रीका है वो लगभग लगभग आपके पूरी धरती के मध्य में स्थित है। बात करते हैं मैप के आधार पर, तो देखो ये क्या है, यहाँ पे आपका आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से यूरोप से अलग होता है, यहाँ से यूरोप से अलग होता है। और यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि आपकी यहाँ पे है। इसके बाद आपकी बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका भूमध्य सागर है, यहाँ आपके क्या है, भूमध्य सागर। फिर आपका ये जो हिस्सा है छोटा सा, ये स्वेज नहर से अलग होता है। फिर ये जो बड़ा सा छोटा सा बीच में किनारा है आपका अफ्रीका और एशिया के बीच में, ये लाल सागर यानी रेड सी के नाम से जाना जाता है, ये अडन सी के नाम से जाना जाता है, और ये आपका अरब सागर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका हिंद महासागर है ना, ये आपका हिंद महासागर है। और ये कौन सा है, ये आपका मोजाम्बिक चैनल है, कौन सा, मोजाम्बिक चैनल, ये आपका मेडागास्कर है। तो इस साइड आपका क्या आ गया, अटलांटिक महासागर आ गया पूरे क्षेत्र में, इस साइड आपका हिंद महासागर आ गया, ठीक है, इस साइड आपकी जिब्राल्टर स्ट्रेट, इस साइड आपका भूमध्य सागर, यहाँ पे आपका क्या आ गया, स्वेज नहर, यहाँ का आपका रेड सी, यहाँ पे आपका अडन सागर, यहाँ का आपका अरब सागर। तो इस तरीके से ये अन्य जो विश्व के जो क्षेत्र हैं उनसे ये अलग होता है। ठीक है, इस महाद्वीप का लगभग लगभग 75% भाग पठारी है, इसलिए इसको पठारी महाद्वीप भी कहते हैं बच्चों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसमें जो देशों की बात करें तो अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीका, चाड, कांगो, जिबूती, मिस्र, इथोपिया, घाना, आइबरी कोस्ट, केन्या, लीबिया, मेडागास्कर, माली, मॉरिशस, मोरक्को, मोजाम्बिक, पता नहीं कितने ही देश हैं जो इस अफ्रीका के अंदर आते हैं। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैप के ऊपर। तो मैप में देखें तो आपको देखो ये कहाँ है, अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो आपकी जो नील नदी है, अब अफ्रीका की बात आए और नील नदी की बात ना आए तो ये तो संभव ही नहीं है, है ना। नील नदी आपकी विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, है ना, सबसे लंबी नदी है। बड़ी नदी तो आपकी अमेजन है, बड़ी लंबी नदी कौन सी है, आपकी नील नदी। और विक्टोरिया झील, ये क्या है, आपकी विक्टोरिया झील। और इस विक्टोरिया झील की खासियत क्या है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है, ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है, पहली आपकी सुपीरियर झील है जो आपकी उत्तर अमेरिका में है, लेकिन अफ्रीका के अंदर दूसरी बड़ी ताजे पानी की झील है विक्टोरिया। और यहाँ से ही क्या निकलती है, आपकी नील नदी निकलती है, और नील नदी ऊपर जाकर यहाँ पे कहाँ पे, इस इजिप्ट से होते हुए और आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है। और आपको पता है ना, इजिप्ट यानी मिस्र, मिस्र को क्या कहा जाता है, आपकी मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी, मिस्र को आपका नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। फिर आप विक्टोरिया झील के आगे चलिए, विक्टोरिया झील के थोड़ा सा पास चलिए और आपको देखने को क्या मिलेगा,
आपको किली मंजारो देखने को मिलेगा। ये देखिए किली मंजारो, ये किली मंजारो आपके अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कितनी ऊंची है 5,895 मीटर समुद्र तल से। कितनी ऊंची है? 5,895 मीटर समुद्र तल से ऊंची है। बात करें एटलस माउंटेन की, तो ये आपके ट्यूनियस मोरक्को से ट्यूनिशिया तक फैला हुआ है, मोरक्को से ट्यूनिशिया तक फैला हुआ है, और ये आपकी सबसे लंबी श्रेणी है, अफ्रीका की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है आपकी एटलस माउंटेन। फिर बात करें, देखो ये क्या है, ये सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जिसको क्या कहा जाता है, एक हम्माद प्रकार का मरुस्थल। हम्माद का अभिप्राय होता है चट्टानी, एक चट्टानी प्रकार का मरुस्थल इसको कहा जाता है। तो यहीं पे क्या है आपका अलजीजिया के नाम से आपने सुना होगा, अलजीजिया क्या है, एक शहर है जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जो किस क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है। अभी आपने एशिया में जब आपने देखा था तो पाकिस्तान में सबसे गर्म स्थान था, उसका टेम्परेचर क्या था, 57 डिग्री, 57 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अलजीजिया जो है, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में पड़ता है, उसका क्या है, 58 डिग्री, 58 डिग्री टेम्परेचर है उसका। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो देखो जो आपका बोत्सवाना है, बोत्सवाना है आपका, बोत्सवाना जो आपका है, ये बोत्सवाना रहा, और ये आपका कालाहारी डेजर्ट रहा। ये बोत्सवाना जो आपका कंट्री है, यहाँ पे ही आपका कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, नील नदी, नील नदी की बात करें तो हमने अभी बात करी, नील नदी को भी अन्य विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फिर आपने देखा कि ये कहाँ गिरती है, ये आपके भूमध्य सागर में जाके गिरती है। तो भूमध्य सागर में जहां गिरती है, तो उसी की वजह से विश्व का फलोद्धान यहाँ निर्मित होता है, और यहाँ खट्टे फल बहुत प्रमुख रूप से होते हैं। ठीक है, मिस्र को क्या कहा जाता है, हमने अभी बात की थी, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान, और यहाँ पे बना हुआ है अस्वान बांध, अस्वान बांध, अस्वान बांध। ठीक है, याद रहेगा आपको, मिस्र नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, अस्वान बांध बना हुआ है। तो वो कांगो नदी, कांगो नदी के बारे में आपने सुना है, कांगो नदी की विशेषता क्या है, देखो ये क्या है, ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, अब इक्वेटर लाइन को दो बार अगर कोई नदी काटती है तो वो कौन सी है, वो आपका कांगो नदी है। ये कांगो बेसिन का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो नदी है दो बार इसको काटती है, इक्वेटर को, भूमध्य मध्य जो रेखा है इसको दो बार ये काटती है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, ये आपकी कांगो नदी की विशेषता है। फिर जाम्बोजी जो नदी है, इस पर विश्व का सबसे बड़ा विक्टोरिया जलप्रपात बना है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, मकर रेखा कहाँ है आपकी, मकर रेखा आपकी ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये भी कहाँ से, बिल्कुल आपके अफ्रीका के इस क्षेत्र से निकलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इस क्षेत्र से निकलती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लगभग लगभग धरती के मध्य भाग में स्थित है, और इससे तीनों की तीनों रेखाएं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा निकलती हैं। बात करें नील नदी के बारे में, तो नील नदी कहाँ से निकली आपकी, विक्टोरिया झील से निकली, विक्टोरिया झील से निकली, विक्टोरिया झील से निकलती है। तो देखो विक्टोरिया झील से निकली तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसको जस्ट निकलते ही इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है व्हाइट नील, यानी सफेद नील के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे ओवन बांध बना हुआ है, इसमें कौन सा बांध है, ओवन बांध। फिर इसके आगे जब चलते हैं तो इथोपिया के क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, ब्लू नदी कहा जाता है, यानी नीली नदी कहा जाता है। और उसके बाद आपकी नील नदी के बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आपकी ये व्हाइट और ब्लू नील नदी के बाद इसको क्या कहा जाने लगा, इसको नील नदी कहा जाने लगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ब्लू नील, है ना, और उसके पहले क्या है, व्हाइट नील, और यहाँ पे क्या हो गई, केवल नील, यहाँ पे क्या हो गई, केवल नील, और यहाँ पे कौन सा बांध बनने को मिला, इजिप्ट पे आपका अस्वान बांध मिला। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज देखी, आपकी सूडान में कौन सा बांध है, सोनार बांध, आपको ये सारी चीज नोट्स में मिल जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करीबन 3200 किलोमीटर तक मरुस्थल में बहती है, कौन सा मरुस्थल,
आपका नुबियन डेजर्ट जो आपका सहारा मरुस्थल का ही लगभग हिस्सा है, तो यहाँ पे ये करीबन 3200 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। फिर विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादन कहाँ होता है आपको पता है? जंजीबार द्वीप में, अफ्रीका का ही जो जंजीबार द्वीप है वहां पे आपका सबसे ज्यादा जो लौंग उत्पादन होता है, विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादन होता है यहाँ पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्वी भाग, इसमें इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये सब आते हैं, ठीक है। आपका जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, ये आते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। जो आपका कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें बुशमैन जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति और शुतुरमुर्ग पक्षी इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्री है, कंट्रियों की बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर जब देखा जाए तो यहाँ पे आपके दक्षिण अफ्रीका का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। यहाँ की प्रशासनिक राजधानी जो है प्रिटोरिया है, क्या है? प्रिटोरिया। और राजनीतिक राजधानी यहाँ की केप टाउन है, और न्यायिक राजधानी यहाँ की ब्लू फाउंटेन है ना। तो यहाँ पे अलग अलग आपके शहर हैं, कैपिटल हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नगर जोहान्सबर्ग, जिसमें सोने की खदानें हैं, इसको स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का ही तो नगर है जोहान्सबर्ग, जिसमें स्वर्ण नगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सोने की खाने हैं बच्चों। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरली में सबसे बड़ी हीरे की खान है, जिसका सबसे बड़ा हीरा जो कुलिनॉन हीरा है वो भी यहीं मिला था। कुलिनॉन हीरा है जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहा जाता है, वो भी आपके दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में मिला था। अफ्रीका के मिस्र को अफ्रीका व एशिया का जंक्शन कहा जाता है। क्यों? देखो, ये आपका इजिप्ट रहा, मिस्र रहा, और यहाँ से आपका क्या है? एशिया है, और बाकी अफ्रीका यहाँ से ही तो कनेक्ट है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है स्वेज नहर का, बस इसी को तो पार करना है और आप पहुँच गए बस एशिया में। तो इसी वजह से मिस्र जो है आपका, ये आपका अफ्रीका को, मिस्र को, अफ्रीका के जो मिस्र है उसको क्या कहा जाता है? अफ्रीका और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र का जो अल काहिरा है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। मिस्र यानी इजिप्ट का जो अल काहिरा जो शहर है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। अफ्रीका के लीबिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान अलजीजिया है। लीबिया जो आपका कंट्री है, ये लीबिया, इसमें आपका विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है जिसके बारे में हमने बात की थी, अलजीजिया, 58 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर हमने नोट किया, ये कहाँ है आपका? अफ्रीका के अंदर लीबिया देश में है। कांगो की बात करें, कांगो की बात करें तो आपका कांगो कहाँ है? ये आपका कांगो, ये आपका कांगो रहा। और इस कांगो की विशेषता क्या है? तो ये वनों का देश है बच्चों। इसको क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। विश्व का दूसरा वर्षा वनों का क्षेत्र जो कांगो नदी पर स्थित है, विश्व का दूसरा वर्षा वनों का क्षेत्र है जो कांगो नदी पर स्थित है। फिर जायरे हो गया, जायरे की विशेषता क्या है? ये निग्रो जनजाति रहती है यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। घाना की बात करें तो घाना कहाँ है? घाना आपका ये रहा, घाना आपका ये रहा। और इसकी विशेषता क्या है? इसको गोल्ड कोस्ट कहते हैं, गोल्ड कोस्ट। यहाँ पे जो आर्थिक आधार पे जो इसकी विशेषता है उसके आधार पे इसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करें तो वो कौन सा है? आपका नाइजीरिया है। वो आपका नाइजीरिया कंट्री है जो आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। नाइजीरिया को ताड़ तेल का देश भी कहा जाता है। किसका? ताड़ तेल का देश भी कहा जाता है। अफ्रीका का नवीनतम देश जो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान अभी जो आजाद हुआ था, ये आपका क्या है? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ। कब? 9 जुलाई 2011 को आपका ये स्वतंत्र हुआ था। और ये आपका 193वां यूएनओ का देश है, सदस्य राष्ट्र। आपके जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें कितने सदस्य देश हैं? वो 193वां। और 193वां जो देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जो कि 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र हुआ। अफ्रीका की बात करें अन्य उस घास के मैदान के मामले में, तो इसकी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है।
और अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों, हम कई बार पढ़ चुके हैं, वो कौन सा है, नाइजीरिया है। तो इसी के साथ आपका ये जो अफ्रीका का जो ये होता है समाप्त। अब मिलते हैं यूरोप महाद्वीप के साथ अगली वीडियो में बच्चों। अगर मैं इस महाद्वीप के पार्ट की अगर यहाँ ज़्यादा डिटेल चर्चा करूँगा तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को देता हूँ यहाँ विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।